हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फॉरवर्ड हेड पोस्चर क्या होता है। आपने बहुत सारे लोग का देखा होगा कि जो चिन होता है ये फॉरवर्ड ऐसे उनका एडजस्टमेंट हो जाता है, तो ये हमारा नॉर्मल पोस्चर नहीं होता है। सो नॉर्मली हमारा जो चिन होता है, जो मैंडिबल है या आपका जो ईयर होते हैं, वो शोल्डर लेवल पे आपको लाई करने चाहिए। बट ड्यू टू सम डिसफंक्शन अगर मसल्स टाइट हो जाते हैं, आप पाएंगे उनका जो एक चिन होता है ये फॉरवर्ड मूव कर जाता है अवे फ्रॉम द शोल्डर लेवल। इसकी डिफरेंट ग्रेडिंग होती है। ग्रेड वन में ये स्लाइटली आपको फॉरवर्ड जाएगा, ग्रेड टू में थोड़ा सा और ज़्यादा जाएगा, और ग्रेड थ्री में कंप्लीट आपके जो ईयर होते हैं शोल्डर से काफ़ी आगे मूव कर जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? ये बेसिकली आपको ड्यू टू मसल इम्बैलेंस होता है। एक कंडीशन होता है दैट इज नोन एज जंडा अप्रोच। यहाँ पे क्या होता है, जो केस पाए जाते हैं दैट इज नोन एज अपर क्रॉस सिंड्रोम। तो क्रॉस का यहाँ पे मीनिंग क्या है, जो आपके बॉडी में मसल्स लाई करते हैं यहाँ पे एक क्रॉसिंग इफेक्ट होता है। इट मीन्स सर्टेन मसल्स आपके ओवर वर्किंग होते हैं और सर्टेन मसल्स आपके अंडर वर्किंग होते हैं। तो जो मसल्स ज़्यादा काम करते हैं वो बेसिकली टाइट हो जाते हैं, और जो मसल्स वीक होते हैं या कम काम करते हैं उनका स्ट्रेंथ लूज होता है, वो वीक हो जाते हैं। सो ऐसे में क्या होता है, जो मसल्स टाइट होता है वो बोन को अपनी तरफ पुल कर लेता है। ओके, सो इस तरह से आपका एक डिसफंक्शन का यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। तो बेसिकली क्या क्या मसल्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें हैं, जो आपके टाइट मसल्स होते हैं दैट इज द अपर फाइबर ऑफ ट्रैपेजियस, जो कि हमारा शोल्डर में यहाँ पे क्रॉस करता है। नेक्स्ट आपके होते हैं लिगेटर स्कैपुलाई, ये मसल्स यहाँ पे अटैच होकर नेक पेन का अटैचमेंट होता है। इसका फंक्शन होता है स्कैपुला को ऐसे एलिवेट करना। ओके, इसके जस्ट कॉन्ट्रेरी जो मसल्स टाइट होते हैं दैट इज द पेक्टोरल्स। तो पेक्टोरल्स आपका अटैचमेंट रिब से लेके यहाँ शोल्डर तक होता है। ओके, तो ये बेसिकली एक ड्रॉ आपको एक लाइन बन गया है डायगोनली, तो यहाँ पे मसल्स टाइट है और यहाँ पे मसल्स टाइट है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या मसल्स हमारा वीक होता है। तो वीक जो होता है दैट इज द डीप नेक फ्लेक्सर। तो जिस मसल्स का यूज करके हम अपने नेक को बेंड करते हैं वो वीक हो जाता है। सो दैट्स व्हाई हमारे ये सर्वाइकल स्पाइन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और क्या मसल्स ऑन द कॉन्ट्रेरी टाइट होते हैं उसको हम देखते हैं। तो दैट इज द जो वीक हो रहे हैं दैट इज द नाउ लेट्स सी क्या क्या मसल्स हमारे इस डिसफंक्शन में वीक होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके डीप नेक फ्लेक्सर मसल्स होते हैं जिनका वर्क होता है नेक को बेंड कराना फॉरवर्ड, ये हमारे अगर वीक हो जाते हैं तो ये सर्वाइकल स्पाइन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ओके, बैक में क्या क्या मसल्स हमारे वीक होते हैं, दैट इज द रोमबार्डस, जो स्कैपुला के मीडियल साइड में इनका ऑरिजिन होता है और यहाँ अटैचमेंट इनका होता है, जिसका बेसिक काम होता है स्कैपुला को रिट्रैक्ट करवाना, ये हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं। सेकेंड जो होता है वीकनेस दैट इज ओवर द सेराटस एंटीरियर मसल्स, इसका फंक्शन होता है स्कैपुला को फॉरवर्ड पुल करना। तो जब इस तरह का डिसफंक्शन होता है तो अल्टीमेटली वो सिनेरियो हमारा अफेक्टेड होता है और अपने हेड को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और चिन हमारा स्लाइटली ऐसे फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये बेसिकली होता किनका है, जिनका भी चेयर बाउंड जॉब होता है या कुछ ऐसे एक्टिविटी में आप इंगेज हैं, सपोज मोबाइल यूज करना, लैपटॉप पे वर्क करना, डेस्कटॉप पे काम करना, कोई व्हीकल ड्राइव करना, जैसे आप कार हो गया, ऑटो है, इसको आप यूज कर रहे हैं। सो मोस्टली हमारा पोस्चर नेक का लाइक दिस ऐसा होता है। तो एक समय के बाद मसल्स ऑटोमेटिक वहाँ पे इस तरह के बैलेंस को मेंटेन करती है और सब मसल्स आपके टाइट हो जाते हैं और कुछ मसल्स का हम यूज नहीं करते हैं, वो अल्टीमेटली वीक हो जाते हैं। ओके, सो इस तरह से एक सस्टेन पोस्चर हमारा होता है और इसका रिजल्ट क्या होता है, अल्टीमेटली द पेशेंट हैज टू सफर फ्रॉम द लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन एज वेल एज शोल्डर ज्वाइंट, और देन कंप्लेंट क्या होता है उनका नेक पेन का। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब हमारा हेड फॉरवर्ड चला गया है तो इन दैट केस आपका जो अपर सर्वाइकल स्पाइन होता है ये आपका मूवमेंट रहता है एक्सटेंशन में, और जो लोअर सर्वाइकल स्पाइन होते हैं वो कॉन्स्टेंटली रहते हैं फ्लेक्शन में। इसको हम कैसे अल्टर कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरापी, विद द हेल्प ऑफ मैनुअल थेरापी एंड विद द हेल्प ऑफ कायरोप्रैक्टिक। सो फ्रेंड्स, नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ दिस पेशेंट, ये एक बेस्ट एग्जांपल है द केस ऑफ फॉरवर्ड हेड पोस्चर। यू कैन इजीली ऑब्जर्व, अगर हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं इसका ईयर लेवल को और शोल्डर लेवल को, क्या दोनों एक लेवल पे है, यू कैन इजीली ऑब्जर्व। अभी जो ईयर है इनका काफी फॉरवर्ड जा चुका है, तो अभी इनका ग्रेड टू में हम बोल सकते हैं डिसफंक्शन आ चुका है। ओके, और देख सकते हैं अगर पेक्टोरल स्पाइन रहेगा तो फाइनली क्या मिलता है, ये शोल्डर आपको ड्रॉप दिखाई देगा, शोल्डर आपको फॉरवर्ड ऐसे राउंडेड दिख रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इनका जो पेक्टोरल मसल्स है यहाँ पे ये काफी टाइट हो चुका है, सो दैट इस बोन को अपनी तरफ ये पुल कर लिया है। तो ये आपको बेसिकली रिवर्सिबल होता है, कुछ केसेस में पहले आपका ये मसल्स टाइट होगा देन शोल्डर ड्रॉप करेंगे, अल्टीमेटली इसको बैलेंस करने के लिए हमारा हेड चला जाता है फॉरवर्ड हेड, इस तरह से हमारा जो चिन है वो पोक कर जाता है।
उस केसेस में पहले आपका चिन का पोकिंग होगा, आफ्टर देन एज ए सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस हमारे मसल्स टाइट होते हैं और शोल्डर पर से ड्रॉप कर लेते हैं। ये बेसिकली आपको रिवर्सिबल हो सकता है। तो जब भी आप किसी पेशेंट को असेस करेंगे, आप उससे पूछेंगे पहले क्या हुआ था, तो एग्जैक्टली आपको वो टाइम फ्रेम नहीं बता पाएगा कि मैंने पहले शोल्डर ड्रॉप किया था या मेरा पहले हेड जो है वो फॉरवर्ड जा चुका था। ओके, सो इन दैट केस यू कैन इजीली सी हियर, इसका हेड फॉरवर्ड में है और क्या क्या मसल्स टाइट दिख रहे हैं। ये मसल्स आपके दिख रहे हैं लाइक ट्रैपीजियस टाइट है। अगर मैं फिंगर इंसर्ट करूंगा, मेरा फिंगर कंप्लीट यहाँ पे इंसर्ट नहीं हो रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो अपर फाइबर है ट्रैपीजियस का वो लिटिल बिट टाइट हो चुका है। नेक्स्ट यू कैन सी जो स्कैपला है, यहाँ पे थोड़ा फ्लैट दिख रहा है, बट यहाँ का स्कैपला जो राइट साइड का है वो लैटरल डिविजन दिख रहा है और थोड़ा सा एलिवेटेड है। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आपके मसल्स रोमाइडस हैं उसका एक्शन हो रहा है, सो दैट आपका स्कैपला आपके इस लेवल पे नहीं आ रहे। तो यहाँ पे स्कैपला का भी डिस्फंक्शन है। ओके, देन अल्टीमेटली ये डिस्फंक्शन यहाँ तक सिर्फ लोकलाइज नहीं होता है। अगर हमारा हेड जा रहा है फॉरवर्ड में, देन इसको बैलेंस करने के लिए जो थोरैसिक स्पाइन का कर्वेचर होता है वो लिटिल बिट हमारा बैकवर्ड जाता है। सो दैट डिस्फंक्शन इज नोन एज काइफोटिक डिफॉर्मिटी। सो फ्यूचर में अगर किसी का हेड ऐसा हो गया है, डिस्फंक्शन आ गया है, सो अल्टीमेटली उसका थोरैसिक एंड लंबर स्पाइन भी अफेक्टेड होते हैं। इन दैट केस अगर हेड फॉरवर्ड गया है, इसको बैलेंस करने के लिए हमारे काइफोटिक डिफॉर्मिटी, इट मीन्स जो बैकवर्ड कर्वेचर होगा थोरैसिक स्पाइन का, वो राइज करता है, और इसको बैलेंस करने के लिए हमारा जो लंबर स्पाइन होता है ये फॉरवर्ड टिल्ट करेगा। सो दैट इज नोन एज इंक्रीज लोडोसिस। तो यहाँ पे एक आपको हॉलो स्पेस दिखाई देगा इस पेशेंट में, ये आपको यू कैन इजली ऑब्जर्व। यहाँ पे इसकी राउंडिंग हो गई है थोरैसिक स्पाइन की और लंबा में देख सकते हैं एक हॉलो स्पेस यहाँ पे इजली ऑब्जर्व हो रहा है। ओके, सो इट्स ए क्लियर पिक्चर ऑफ पोस्टरल सिंड्रोम। अब इसका रेमेडी करने के लिए हमारे पास मेडिकेशन में इसका ज्यादा रोल नहीं होता है। इट्स ए केस ऑफ कंप्लीट फिजियोथेरापी, मैनुअल थेरापी एंड द कायरोप्रैक्टिक। सो फ्रेंड्स, इसका बेसिक ट्रीटमेंट क्या होगा इन द फील्ड ऑफ फिजियोथेरापी एंड मैनुअल थेरापी? तो यहाँ पे कंप्लीट असेसमेंट के बाद हम एक प्रोटोकॉल इसको बनाते हैं और कुछ रिक्वायरमेंट होता है डिस्फंक्शन को कंट्रोल करने का। यहाँ मैं एक टेक्निक आपको बता रहा हूँ, दैट इज द एपी क्लाइड टेक्निक। तो यहाँ पे आपको अपने फोर आर्म को रखना ओवर द थोरैसिक स्पाइन, ऑक्सीपोड को आपको बैलेंस करना है, कीप योर वेब स्पेस ओवर द मैंडिबल लाइक दिस, और आपका फोर आर्म बिल्कुल फॉरवर्ड हो 90 डिग्री पे। नाउ यू हैव टू पुश द मैंडिबल इन द पैपर डायरेक्शन लाइक दिस ग्रेड वाइज। सो एज पर मेट्रिक ग्रेडिंग यू कैन अप्लाई ग्रेड वन अप टू द इनिशियल रेंज, एनी पेन, देन ग्रेड टू। अगर सपोज ग्रेड वन में आपने रेंज अचीव कर लिया है, देन थोड़ा सा प्रेशर को बढ़ाएंगे। देन अगर टू का रेंज अचीव हो गया है, देन फोर थ्री, ये भी आपको लार्ज एम्पलीट्यूड में होगा, अप्लाई द प्रेशर। देन फोर ग्रेड फोर जो लास्ट होता है टर्मिनल एंड पे, दैट इज अ स्मॉल रेंज ग्लाइडिंग। इसके बाद का स्टेज आता है मैनिपुलेशन का। तो यहाँ पे मैंने आपको टेक्निक बताया हाउ टू ग्लाइड द ज्वाइंट। सो इस तरह से करके आप जो ज्वाइंट का डिस्फंक्शन है उसको काफी हद तक इसको आप कर सकते हैं। नाउ जो नेक्स्ट टेक्निक बताओ, दैट इज द MET, दैट इज द मसल्स एनर्जी टेक्निक। यहाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ अपर ट्रैपेजियस जो टाइट हो गया, एंड हाउ टू रिलीज। ये बड़ा इफेक्टिव टेक्निक होता है। इसमें करना क्या है आपको, है जिस मसल्स का आपको एमिटी कराना है उसके जस्ट एंटी में हम बॉडी को फिक्स करते हैं। सपोज मुझे कराना ट्रैपेजियस का, जिसका एक्शन होता है एलिवेशन ऑफ द शोल्डर, तो मैंने हेड को पहले टिल्ट किया एंटी साइड में और मैं अपना एक मैनुअल प्रेशर लगाऊंगा यहाँ पे जस्ट टू अप्लाई द रेजिस्टेंस। और पेशेंट को कहना है कि आपने जो मसल्स का फोर्स है उसका 50% अप्लाई करके शोल्डर पे एलिवेट करेगा। ओके ओके, एलिवेट योर शोल्डर एंड जस्ट होल्ड इट जस्ट फॉर 6 to 10 seconds। नाउ रिलीज। जब पेशेंट लूज कर रहा है, सो आपको फर्दर प्रेशर अप्लाई करके इसको डाउनवर्ड लेके जाना है जस्ट टू ट्राई टू गेट सम न्यू रेंज। अगेन लिफ्ट, ओके। तो इस साइकिल को आपको अगेन 4 to 6 times अप्लाई करना है और आप इजिली ऑब्जर्व करेंगे किसका मसल्स काफी हद तक लूज हो गया है। ये दो बेसिक टेक्निक इस डिस्फंक्शन में काफी इफेक्टिव होता है, यू कैन इजिली अप्लाई।
सो फ्रेंड्स आई होप आपने इस केस को समझा होगा और आपके आसपास जितने भी लोग हैं आप उनको गाइड कर सकते हैं इस तरह का डिसफंक्शन का जो ट्रीटमेंट है वो इन द फील्ड ऑफ फिजियोथेरेपी अवेलेबल है। ओके मेडिकेशन से इसमें ज़्यादा हेल्प नहीं हो पाता है बिकॉज हमें पोस्चर को बैलेंस करना होता है। तो आपके आसपास जो भी एक्सपर्ट फिजियो हैं या मैनुअल थेरापिस्ट हैं या कायरोप्रैक्टर हैं आप उनका हेल्प लें और इस तरह के डिसफंक्शन को आप क्योर करें। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा और आप इसका यूज़ करेंगे और आपके जो भी फ्रेंड हैं सोसाइटी में फैमिली में उनको भी गाइड करेंगे सो दैट इस डिसफंक्शन को हम रूट लेवल से क्योर कर पाए। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। सो फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव है तो आप इसको लाइक भी करें और हो सके इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को सो दैट मैं जो भी नया अपडेट दूंगा उसका नॉलेज आपको मिल जाएगा। और ट्राई करें अपने फ्रेंड को या फैमिली को सोसाइटी में शेयर भी करें सो दैट जो भी इस केस से सफर कर रहे हैं उसको इनका रेमेडी मालूम हो सके।